महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और यही वजह है कि जिसकी वजह से राज्य का सियासी पारा एकदम हाई है और जिसकी वजह से राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़े नेता तो बड़े नेता, कार्यकर्ता भी सियासी दंगल में किसी को भी बख्शते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके शिकार खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो गए और जब शिकार हुए तो गुस्सा भी खूब आया, पारा चढ़ गया और काफिला रुकवाकर किसी और के दफ्तर में जा घुसे। अब सवाल यह है कि बीच चुनाव आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना काफिला रोककर किसी और प्रत्याशी के दफ्तर पर एक तरीके से धावा बोलना पड़ा। आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किस बात से इतने नाराज हो गए कि खुद को रोक ही नहीं पाए और जब खुद को रोक नहीं पाए तो क्या किया, आइए आपको दिखाते और बताते हैं। इस पूरे मसले को समझने के लिए सबसे पहले जरा एक बार ये वीडियो देखिए और देखिए इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। ऐसा सिखाता है क्या आप लोग? ऐसा सिखाता है क्या आप लोग? देखा आपने ये पूरा वीडियो, एकनाथ शिंदे पहले अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे, वहीं से सुरक्षा कर्मियों को कुछ कहते रहे, लेकिन फिर उसके बाद भी जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो खुद उतरकर सामने बने दफ्तर में चले जाते हैं, वो दफ्तर जो किसी और पार्टी के प्रत्याशी का है और वहां मौजूद लोगों से पूछते हैं कि ऐसा ही सिखाते हैं क्या आप लोग। ये एकनाथ शिंदे उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर रहे थे। किस तरह से शिंदे गुस्से में तमतमाते हुए अपनी गाड़ी से उतरे और किसी और प्रत्याशी के दफ्तर में जा घुसे आपको बताएंगे, ऐसा आखिर हुआ क्यों, लेकिन एक बार पहले फिर से ये पूरा वीडियो जरा देख लीजिए। ऐसा सिखाते हैं क्या आप लोग? ऐसा सिखाते हैं क्या आप लोग? आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफिले को एक व्यक्ति के द्वारा रोकने की कोशिश करने का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उस व्यक्ति के द्वारा शिवसेना को तोड़ने और सत्ता के लिए बीजेपी का साथ देने के लिए शिंदे को गद्दार कहने का दावा किया जा रहा है। विधानसभा के लिए मतदान से एक हफ्ते पहले सामने आया वीडियो राज्य के राजनीतिक गलियारों में एक तरीके से चर्चा का विषय बना है और इसी घटना के बाद शिंदे को गुस्सा आ गया और शिंदे को जब गुस्सा आया तो शिंदे सामने बने प्रत्याशी के दफ्तर में जा घुसे। देखिए वीडियो मुंबई के साकीनाका इलाके का बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि संतोष कटके नाम के युवक ने काले झंडे लहराकर शिंदे के काफिले को बाधित करने की कोशिश की और उन्हें गद्दार कहा और इस घटना के बाद शिंदे को अपना काफिला रोक कर अपनी गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा। वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से शिंदे अपनी गाड़ी से बाहर निकले और ये पूरी घटना कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री नसीम खान के कार्यालय के बाहर हुई। देखिए चांदीवाली विधानसभा क्षेत्र से एमवीए की ओर से कांग्रेस नेता नसीम खान चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का काफिला नसीम खान के दफ्तर के बाहर से निकल रहा था तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने वहां गद्दार गद्दार के नारे लगाने शुरू कर दिए जो दावे किए जा रहे हैं और संतोष कटके नाम के युवक ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इससे मुख्यमंत्री का पारा चढ़ गया, वो गुस्से में अपनी कार से नीचे उतरे और नसीम खान के ऑफिस की ओर चल दिए। उन्होंने मौके पर मौजूद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के पदाधिकारियों से पूछा कि क्या अपने कार्यकर्ताओं को यही सिखाते हैं आप लोग, उनका व्यवहार इसी तरह का है। इस घटना के बाद शिंदे खान के कार्यालय में पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से घटना के बारे में पूछताछ की, पूछा कि क्या वो इस तरह के व्यवहार को सही मानते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि कटके को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया और पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि उसे कुछ देर बाद जाने दिया गया। आपको बता दें कटके अपने पिता के साथ मंगलवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो गया। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने खुद उसका स्वागत किया जो बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संतोष कटके ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि शिंदे को देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने ये वो तमाम बातें कही। पिछले साल जून में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों के बगावत करने की पहली वर्षगांठ को गद्दार दिवस के रूप में मनाया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जून 2022 में अविभाजित शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी जिसमें शिवसेना के अलावा एनसीपी और कांग्रेस शामिल थी। हालांकि देखिए शिंदे को जब गुस्सा आया तो वो कांग्रेस प्रत्याशी के दफ्तर में जा घुसे और उन्होंने सीधा वहां मौजूद पदाधिकारियों से सवाल किया कि क्या ये सब सही है, क्या यही सिखाते हैं आप लोग। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये जो कुछ हुआ है वो आचार संहिता के तहत सही है। अब ये तो चुनाव आयोग देखेगा, लेकिन जाहिर सी बात है राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है
नेताएं बड़े नेता तो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अब कार्यकर्ता भी बड़े नेताओं को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है यही एक वजह थी जिसकी वजह से शिंदे को गुस्सा आया। अब राजनीतिक तौर पर इसका वो कैसे जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में ये वीडियो लेकिन हलचल मचा रहा है।